I gotta do something. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये वीडियो एडिट करने वाले हैं जो कि इंस्टाग्राम पर काफ़ी वायरल है। इस वीडियो को एडिट करेंगे हम VN एप्लीकेशन में, जो कि इजीली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप ओपन करते हैं इस तरह का इंटरफेस आपको मिलता है। इस वीडियो को बनाने के लिए गाइज आपको 14 फोटोज़ की ज़रूरत है, एंड फोटोज़ इम्पोर्ट करने के लिए यहाँ प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है, एंड न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोन लाइब्रेरी से 14 फोटोज़ इम्पोर्ट कर लीजिएगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से आपको 14 फोटोज़ लेने हैं। एंड में आपको VN का डिफ़ॉल्ट क्लिप मिलता है, इसको डिलीट करना है, एंड ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपको 9:16 का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। ओके, अब हम यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करेंगे। म्यूज़िक ऐड करने के लिए इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम से आप रील वीडियो डाउनलोड कर लेंगे, देन वीडियो से हमें यहाँ पर म्यूज़िक एक्सट्रैक्ट करना है। जब वहाँ से आप वीडियो डाउनलोड करेंगे, देन आफ्टर आपको यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे, एंड प्लस पे क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो करना है। अब वो वीडियो आप ले लें जो आपने टेलीग्राम से डाउनलोड किया होगा, तो ये मैं ले लेती हूँ, एंड यहाँ से आपको ओके कर लेना है। देन दोस्तों, आप यहाँ चूज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से म्यूजिक बीट्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों आपके लिए फ़ोटो ड्यूरेशन सेट करना आसान हो जाता है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आप बीट मार्क लगाते हैं तो आसानी से अपना वीडियो एडिट कर पाएंगे। ओके, इसके लिए आपको यहाँ से साउंड प्ले करना होता है, एंड फ्लैग के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको मार्क करना होता है। ओके, अगर आपको साउंड सुनते हुए बीट मार्क लगाने में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे बीट मार्क लगाने हैं। आप देखेंगे ऊपर म्यूजिक डैश लाइन पे आपको छोटे छोटे से अप्स नजर आएंगे, जहां पर आपको अप्स नजर आएंगे वहां पर आपको इस तरह से मार्क करना है। ओके, जैसे कि थर्ड अप ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, तो इस तरह से दोस्तों मैं लगा लेती हूँ, एंड उसके बाद आपको साउंड प्ले करना है, एंड अपने मार्क्स को साउंड के साथ मैच करना है। ओके, तो साउंड मैं यहाँ पर आपको सुना नहीं सकती, आपको वीडियो देखकर समझना होगा। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो कोई बात नहीं, जब मैं फ़ोटो की ट्रिमिंग कर लूँगी तो फ़ोटोज़ की ड्यूरेशंस आपको बता दूँगी। ओके, तो फिलहाल हम मार्क कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको मार्क करने हैं। लास्ट मार्क आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड में आपका एक लास्ट फोटो आएगा, या फिर आप वीडियो लेना चाहें तो वीडियो भी ले सकते हैं। जैसा कि आपने प्रीव्यू के वीडियो में भी नोटिस करा होगा, लास्ट में वीडियो ऐड करा हुआ है, तो आप चाहें तो वीडियो भी ले सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं है तो आप फोटो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से आपको डन कर लेना है, अगेन आप डन कर लेंगे। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेती हूँ ताकि हमारे जो बीट मार्क हैं सही से शो हो, एंड ट्रिमिंग करने में आसानी हो। अब हम बीट मार्क के अकॉर्डिंग फ़ोटोज़ की ट्रिमिंग करेंगे। ओके, ओके, तो दोस्तों इस तरह से आपको फ़ोटोज़ की ट्रिमिंग करनी है, आप समझ गए होंगे वीडियो देखकर। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ़ोटोज़ की ड्यूरेशंस आपको क्या क्या रखनी है। तो आपका जो फर्स्ट फ़ोटो आएगा उसकी ड्यूरेशन 0.40 सेकंड आप रखेंगे, सेकंड फ़ोटो की 0.34 सेकंड, उसके बाद दोस्तों आपको 10 फ़ोटोज़ की सेम ड्यूरेशन रखनी है 0.15 सेकंड, एंड लास्ट में अगर आप वीडियो क्लिप लेते हैं तो अच्छी बात है, आपका वीडियो और भी अच्छा लगेगा, एंड फ़ोटो ही है जो भी है लेकिन ड्यूरेशन सेम आएगी 1.37 सेकंड आप इसकी ड्यूरेशन रखेंगे। ओके, बस आपका वीडियो रेडी हो जाता है। बहुत ही आसान सा ये वीडियो है, अगर आप बीट मार्क लगा के बनाते हैं तो और भी इजी हो जाता है। बीट मार्क लगाएं और मार्क के अकॉर्डिंग फ़ोटोज़ की ट्रिमिंग करें। बीट मार्क नहीं समझ पाते हैं तो आप इस तरह की ड्यूरेशन रख सकते हैं। ओके, दोनों तरह से सिंपल ही है। अब आप यहां से सेव कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूं। तो सेव करने के लिए आपको यहां एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपको डन कर लेना है। देन दोस्तों आप यहाँ सेव टू एल्बम के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड वीडियो आपका सेव हो गया।
सो कैसा लगा है दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एंड अगर आप चाहते हैं इसी तरह के ट्रेंडिंग वायरल रील्स से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।